जय जगदानी। YouTube / कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आज आपको सिखाने जा रही हूँ बाजरे की छिलके वाली मूंग की दाल की और चावल और थोड़ी सी उड़द की दाल की इडली। बड़ी ही टेस्टी टेस्टी, बड़ी ही पौष्टिक, क्योंकि ये मिलेट है इसमें, बाजरा सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये आपके पेट पर बड़ी अच्छी रहेगी। जिन लोगों को एलर्जी है, गट लीक होता है या पेट की अन्य समस्या है, उनके लिए ये पूरी दवाई है। और उनके लिए फर्मेंटेड चीज़ रोज़ खा लेना बहुत ही बेहतर होता है। तो रोज़ आप अलग अलग प्रकार की इडली आपको सिखा दूंगी, आप अपने घर में बना के खा सकते हैं। इस इडली के साथ मैंने परोसा है सांबर, और साथ में मैंने जो इडली का घोल बचा था तो ये मैंने दो डोसे बना दिए उसके। तो अगर आप इस घोल का डोसा भी बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, चटनी भी बना सकते हो। साथ में चटनी पीछे सिखाई थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, सांबर का भी लिंक डाल देती हूँ, वो भी मैंने पीछे सिखाया था। तो अभी देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है इडली, कितनी बढ़िया बनी है, और आप देखिए इसके अंदर कितनी जालियाँ हैं, कितनी अच्छी बनी है। और इसको आप खा सकते हैं 1, 2, 3, 4 जितनी भी चाहें, बिल्कुल तंग नहीं करेगी पेट को। ओके, चलिए सीखते हैं हम बाजरे की इडली। और सबसे पहले निवेदन, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, लाइक शेयर कर दीजिए, गॉड ब्लेस यू। चलिए सीखते हैं। जय जिंदानी। YouTube / कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना, आज मैं आपको सिखा रही हूँ बाजरे की मूंग के छिलके वाली दाल की मिश्रित कुछ डाल रही हूँ, उसकी इडली बना रही हूँ। मेरा बेसिक फंडा ये था कि फर्मेंटेड फूड खाओ तो पेट ठीक रहता है, लेकिन फर्मेंटेड फूड में भी अगर हम सिर्फ उड़द की दाल ले लें या हम ऐसा कुछ कर दें जिससे गैस अटैक्स आते हैं, तो जैसे ग्लूटन फ्री अगर चीज़ें ली जाएँ तो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। तो मैंने बाजरा सोचा, बाजरा मिलेट होता, मिलेट में कोई समस्या नहीं होती गैस अटैक्स आने की, ग्लूटन फ्री होता है। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है 1 कटोरी बाजरा, और इसके अंदर मैं छिलके वाली मूंग की दाल डाल रहे हूँ तो इसका भी स्वाद आएगा। और ये 1 कटोरी मैंने चावल ले लिए हैं तो चावल भी डाल दिए मैंने, और ये 1/2 कटोरी से भी कम उड़द की दाल ली है। अब उड़द की दाल लेने की ज़रूरत क्या थी मैं बता दूँ, थोड़ी सी ली है मैंने, ज़्यादा नहीं ली, नहीं तो इससे गैस अटैक्स आते हैं। उड़द की दाल लेने से कम बंधी रहती है चीज़ें, बाइंडेड रहती हैं, इसलिए मैंने ली। चलिए अब मैं इसको धो के भिगा देती हूँ, क्योंकि 5-7 घंटे 7 घंटे 8 घंटे ये भीगेगी और फिर मैं इसको रात को पीसूंगी, और पीसने के बाद फिर सारी रात इसको फर्मेंट करने के लिए रख दूंगी बंद टाइट डिब्बे में। तो लेट अस डू फर्स्ट थिंग। तो देखिए मैंने इसको भिगा दिया है, और ज़्यादा पानी में भिगाया ताकि अच्छे से इसको फूलने का मौका मिले, और ये 5-7 घंटा अब रहेगा, और इसके बाद हम उसको जब पीसेंगे तब भी आपको दिखाएंगे। तो बाजरे की इडली बनाने के लिए मैंने भिगो दिया है चावल, बाजरा, मूंग की छिलके वाली दाल और उड़द की दाल थोड़ी सी, जो के मिश्रण फूल गया है भीग के, और अब इसे पीसना है मुझे मिक्सर में। देखिए पीस के कितना महीन आटा इसका बन गया है, फाइन एकदम। इसे सारी रात पड़ा रहने दूंगी मैं इस बर्तन में, और सारी रात ये पड़ा रहेगा तो फ्लफी हो जाएगा, फर्मेंटेड हो जाएगा। इसी बर्तन को ढक्कन से टाइट बंद करके सारी रात रखना है मुझे। आई एम सो हैप्पी कि ये इतनी फूल गई है अच्छे से, कितना रात को जैसे मैंने आपको दिखाया था कि भीगने के बाद क्या हाल था, तो अभी देखिए तो ये कितनी मस्त फूल गई है, और इसकी जाली भी बन गई है। नज़दीक से आपने देखा होगा कि इसकी कैसी जाली बन गई है, और ये इडली बनने के लिए अभी परफेक्ट है। अब इसको पहले मैं हिलाने से पहले इसको एक तरफ हिलाना है ना, ओके। तो इसको पहले मैं पिंच ऑफ सोडा डाल देती हूँ, तो मैंने पिंच ऑफ सोडा डाला, पिंच बिल्कुल ही पिंच है मेरा, तो मैं ज़्यादा पिंच सोडा खाने में बिलीव नहीं करती हूँ। तो रात को मैंने इसको टाइट बंद करके रखा था इसलिए ये इतना अच्छा हो गया। और अब इसमें ये काला नमक थोड़ा मैं स्वादानुसार डालूंगी, काला नमक डालने से उसका टेस्ट भी आता है इडली में, तो ये काला नमक मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें जीरा धनिया पाउडर डाल दूंगी,
जीरा धनिया पाउडर, कई लोग प्लेन बना देते हैं इडली तो प्लेन भी बना सकते हैं आप। और इसके बाद ये काली मिर्ची थोड़ी सी हल्की सी मैंने इसमें डाली है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। तो 1 से 2 चम्मच ऑयल डाला है मैंने, इससे इसका टेस्ट बनेगा, नरम नरम होगी। और अब मैं इसको चलाना शुरू करती हूँ। देखिए क्या मस्त जाली बनी है, क्या घोल बना है, और इसको एक ही तरफ में हिलाना है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा अभी पानी ऐड करने की ज़रूरत है, तो पहले हिला लूँ, देखती हूँ बैटर कैसा रिएक्ट करता है इसको हिलाने के बाद, और उसके बाद ही पानी डालूँगी। तो देखिए मक्खन मलाई बैटर हमारा और फूला हुआ जालीदार। अब मुझे लगता है इसमें मुझे थोड़ा वाटर ऐड करना चाहिए, तो चलिए मैं इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करती हूँ, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा पानी ऐड करूँगी तो इडली अच्छी नहीं बनेगी। तो ये मैंने आधा कटोरी पानी ऐड किया है, और आधा कटोरी पानी इसके लिए काफ़ी हो जाएगा घोल को बनने के लिए। और अब ये जो घोल है ये तैयार हो रहा है। मैंने भी सोचा कि ये पेट की तकलीफ के लिए कितनी फर्मेंटेड चीज़ें अच्छी होती हैं, मतलब कि आप अगर रोज़ सुबह इडली खा लें तो आपका पेट अगर ख़राब है, लीकी गट है या और कोई पेट की बीमारी है, तो उसमें जो है ये बहुत काम आएगा फर्मेंटेड फूड। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी और डालने की ज़रूरत है, वो मैं डाल दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये इडली का बर्तन ले लिया है, और मैं ब्रश वगैरह से तेल नहीं लगाती, हाथ से लगाती हूँ। मुझे प्लास्टिक के ब्रश किचन में यूज़ नहीं करने हैं, मैंने वैसे ही प्लास्टिक बैन कर दिया है अपनी ज़िंदगी से। मुझे ऐसा लगता है जितना कम प्लास्टिक यूज़ करो उतना हमारे हेल्थ के लिए, पोल्यूशन ना होने के लिए और पर्यावरण के लिए अच्छा है। तो आप भी अपने किचन में जितनी कड़छियाँ यूज़ करते हैं लकड़ी की यूज़ करें। और अब ये बर्तन हो गया है तो मैं दूसरा बर्तन ले लूँ और इस बर्तन में भी लगा दूँ मैं, तो एक साथ जो है वो मेरी बन जाएंगी 12 इडलियाँ। तो प्लास्टिक ना यूज़ करें, वही अच्छा है आपके जीवन में, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत ख़राब होता है। हमारी गृहिणियाँ दुनिया को दिखाने के लिए वो प्लास्टिक के ब्रश यूज़ करती हैं किचन में, ना करें, वो जल भी जाता है और उससे गंदी बीमारियाँ भी होती हैं। अब ये मैंने डाल दिया इसमें तेल, अब ये इडली का बैटर इसमें थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, उसको फैलने के लिए, फूलने के लिए जगह चाहिए होती है, और वो जगह मैंने इसके अंदर रखी है, और इसको इस तरह से भर दूंगी मैं, और उसके बाद आग पर चढ़ाऊंगी। तो ये इडली का बर्तन है, इसके नीचे मैंने पानी डाला हुआ है, और ये ऊपर मैंने ये इडली सेट कर दी है। मैं छोटा बर्तन कभी यूज़ नहीं करती क्योंकि उसमें प्रॉपर भाप नहीं लगती है, और ये इडली अब सेट हो गई है आग पे जाने के लिए, ढक्कन बंद कर देती हूँ। तो मैंने इसे 20 मिनट तक अभी भाप दिलवा दी है, और अब मैं इसे खोल रही हूँ। तो देखिए कितनी फूल गई है हमारी इडली, उसको मैंने स्पेस दिया था ना फूलने के लिए, तो अच्छे से फूल गई है। अब मैं इसको ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको ठंडा करके थोड़ा निकालूंगी तो ये अच्छे से डिस्कनेक्ट हो जाएगी बर्तन से, अदरवाइज ये चिटकेगी। तो इसको 5 मिनट और देते हैं, बस 5 मिनट। तो लीजिए अब हमारी इडली ठंडी हो गई है, अब इसको मैं चाकू से निकाल रही हूँ, कुछ लोग इसको चम्मच से निकालते हैं, और इसको प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ मैं कि ये कितनी नरम बनी है, कितनी बढ़िया बनी है। देखिए ये तैयार है हमारी बाजरे की इडली। लेट अस शिफ्ट इन अ प्लेट। तो लीजिए तैयार है हमारी बाजरे की इडली, बहुत ही टेस्टी। इसके अंदर आपको मूंग की छिलके वाली दाल भी पौष्टिक मिलेगी, इसके अंदर चावल तो है, इसमें थोड़ी सी उड़द की दाल भी है, सांभर के साथ परोसी है मैंने। और मैंने क्या किया, इसका घोल बचा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने उसके ये डोसे बना दिए, तो मज़ा आ गया ना, डोसा भी खाने को मिल गया, इडली भी खाने को मिल गई। बताइएगा मुझे आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी, अगली बार कोई और चीज़ खिलाऊंगी, सस्पेंस। फिर मिलूंगी मैं कामिनी खन्ना YouTube/
कमाना खाना से, लेकिन इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, और आपके कमेंट्स मेरा मन बढ़ाते हैं। इसलिए प्लीज़ मिस मत किया कीजिए, लिखा कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को फेसबुक पे भी। फेसबुक पे मेरा कमाना खाना पेज है, वहाँ पर भी जाइए, और यहाँ YouTube/कमाना खाना पे भी रहिए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर लाइक कर दीजिए। बड़ी डिमांड नहीं है, छोटी डिमांड है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।